आज दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसका साइज़ है 36x50, 36x50 फीट में ये घर किराने प्लान किया है और दो भाइयों के लिए। अगर आपके घर में दो भाई हैं और भविष्य में कभी भी बंटवारा होता है, ये प्लान आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैंने इक्वल दोनों के लिए सेपरेट सब कुछ बनाया है और पूरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। दो ब्रदर्स के लिए घर है दोस्तों, और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे सर कि हमें एक 36x50 में दो भाइयों के लिए घर का नक्शा चाहिए। उन्हीं के कहने पर मॉडल को डिज़ाइन किया है। फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन और लो बजट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा तीम झाम कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉर्मल सी चीज़ें यूज की हैं, इससे आप अपने घर को एक लो बजट में बेहतरीन सा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, हम डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। और दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपको अपडेट कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे मैं बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। वो हमारी पेड सर्विस है, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बात करके आप हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके अपना घर बनवा सकते हैं। तो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक भी देखने को मिले। अगर हम बात कर रहे हैं साइड की, तो ये देखिएगा कॉर्नर वाला जो एक साइड बना है ये, और ये आपका खपरा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि स्लोप टाइप का है एक। और फ्रंट के एलिवेशन की बात करें तो ये आपका डिज़ाइन ही देख रहे, मेन डोर है, जो आप वॉल हैं, ये चार पिलर हैं। अब इसके ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, थ्री साइड क्लोज्ड है, आप देख रहे हैं कि तीन साइड से बंद है और फ्रंट से ही ओपन है। अब हम बात करते हैं ये वाला जो छत आप देख रहे हैं, हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उठा हुआ है, लेकिन ये जो बाउंड्री मैंने क्रिएट किया वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ये मैंने दिखा दिया है। और फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो देखिए, पहले चार पिलर आपको साइड में देख रहे होंगे, इसका ये रेलिंग है, और आपको पार्किंग के लिए 12 फीट का बारंदा मिल जाता है। अगर आप ग्रामीण में भी इसे बनवाते तो बेहतरीन है, अगर आप शहर में बनवाते तो आप इसे क्लोज करा सकते हैं, और पार्किंग के लिए 12 फीट का लगभग जगह है, 12x36 फीट का। और ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से रेलिंग ग्रेड की है। इसके बाद ये आपको एक विंडो दिया है, उसमें भी मैंने स्लोप लगाया है, देखिए दो पिलर लगाकर साइड में छोटे छोटे से, इस तरफ भी मेन डोर ये है, दोनों तरफ विंडो, जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहुँचते हैं एक गैलरी में, उस गैलरी से ही दोनों तरफ आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्टेयर्स, देखिए दो भाइयों के लिए, अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम इधर से दिखाते हैं तो एक स्टेयर्स आपको गया है, फिर इसका अदर टर्न होकर फिर से उसी तरफ आ गया है, ऐसा ही इस तरफ है, और ये भी उस सिमिलरिटी मैंने क्रिएट किया है। फ्रंट की हम बात करें तो आपको बड़ा सा एक बेडरूम मिलता है इस साइड भी और इस साइड भी, देखिएगा बिल्कुल सिमिलर। इसके बाद आपको एक बड़ा सा किचन मिल जाता है, जो कि आपका ओपन किचन है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद फिर से आपको एक बेडरूम, और इस साइड सबसे पीछे में आपको लेट एंड बाथ का एरिया देखने को मिलता है। यही सेम बिल्कुल प्लान इस तरफ भी है, दो बेडरूम, आपका किचन, लेट एंड बाथ। लेट एंड बाथ सबसे पीछे मैंने रखा है, और बीच में कॉमन, देखिए हॉल आपका रखा है, ये डाइनिंग एरिया आपका कॉमन मैंने रखा है। ये भी आपका बड़ा सा एरिया, मतलब कि 36x50 फीट में आपका 12 फीट का तो आगे निकल जाता है पूरा पार्किंग के लिए। इसके बाद जो एरिया बचता है वो आपका घर डिजाइनिंग के लिए मैंने यूज किया। सबसे पीछे लेट एंड बाथ है, इसके बाद बेडरूम, फिर किचन एरिया, फिर से आपका एक बेडरूम, और स्टेयर्स की बात करें तो जो गैलरी है उसी से आप चलकर जाएंगे और आप छत पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर मैंने दोस्तों कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, चारों तरफ 4 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में ये रेलिंग जो आपका सबसे आगे रेलिंग, तो वही लुक सेम मैंने ऊपर दिया है, तो आप देख पा रहे हैं, और ये आपका पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है 36x50 फीट में। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, ऐसा सब वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर इसकी एस्टीमेट की बात करें, इसकी कॉस्ट की बात करें, तो आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट, इसमें मटेरियल क्या लगेगा। इसके लिए आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान को एप्लीकेशन, हमारा दोस्तों एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें पूरा मटेरियल फाइंड आउट कर देगा वो आपको, बीम को बनाने में आपको सरिया कितना लगने वाला, स्टील जिसे बोलते हैं, गिट्टी कितने लगने, सब कुछ फाइंड आउट कर लेगा, और इसका प्राइस पूरा फाइंड आउट करके आपको बता देता है। तो ये पूरा मॉडल जो आपको देखने को मिला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दो भाइयों के लिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।